अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य पर राहु की दृष्टि पड़ रही है या सूर्य और राहु की युति है तो पितृ दोष बनता है। इस दोष से सूर्य के सकारात्मक फल कम हो जाते हैं। कुंडली में जब राहु सूर्य साथ हो या राहु पंचम भाव में हो या सूर्य राहु के नक्षत्र में हो या पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी राहु के नक्षत्र में हो तो पितृ दोष बनता है। पितृ दोष के संबंध में मान्यता है कि यदि परिवार में किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है और मृत व्यक्ति का सही विधि से श्राद्ध नहीं हो पाता है तो उस परिवार में जन्म लेने वाली संतान की कुंडली में पितृ दोष रहता है। खासकर पुत्र संतान की कुंडली में ऐसा दोष रहता है। इसकी वजह से उन्हें अपने जीवन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पितृ दोष दूर करने के लिए कर सकते हैं ये उपाय। दशहर रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठें, नहाने के बाद किसी शिव मंदिर जाएं, शिव जी का विधि विधान से पूजन करें। दश अगर विधिवत पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो रोज तांबे लोटे में शुद्ध जल भरें और उसमें थोड़े से काले तिल डाल दें। इस जल को शिवलिंग पर उनम शिवाय मंत्र जप के साथ चढ़ाएं। दश ध्यान रखें, शिवलिंग पर जल पतली धार से चढ़ाएं और मंत्र का जाप करते रहें। दश अगर आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं तो ज्यादा शुभ रहता है। जल चढ़ाने के बाद फूल और बिल्व पत्र भी चढ़ाएं। इस उपाय से पितृ दोष का असर कम सकता है। पितृ दोष दूर करने के अमावस्या पर करें ये उपाय। अमावस्या पर चावल की खीर बनाकर उसमें रोटी चूर लें और यह गांव के लिए घर की छत पर डाल दें। इस उपाय से आपके घर में रहने वाले सदस्यों पर पितृ देवताओं की विशेष कृपा होगी। पितर देवता की कृपा से ही धन संबंधी कार्यों में भी विशेष सफलता प्राप्त हो सकती है। पीपल के नीचे रखें खीर। मान्यता है कि पितरों को खीर बहुत पसंद होती है, इसलिए हर माह की अमावस्या को खीर बनाकर ब्राह्मण को भोजन के साथ खिलाने पर पुण्य बढ़ता है। इस दिन शाम के समय पितरों के लिए थोड़ी खीर पीपल के नीचे भी रखनी चाहिए।